ज्वालामुखी मंदिर के रसोई घर में वीरवार दोपहर अचानक आग लगने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जानकारी के अनुसार मंदिर के नए रसोई घर में रसोईया माता के दरबार के लिए भोग तैयार कर रहा था कि अचानक चिमनी ने आग पकड़ ली व पूरा रसोई घर धुएं से भर गया, जिसमें रसोईया बाल बाल बच गया। मंदिर की रसोई में धुएं का घना गुब्बार देखकर मंदिर के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मंदिर में लगे पानी के सिस्टम से आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि मां ज्वाला को लगने वाले भोग प्रसाद को नुकसान नहीं हुआ और दोपहर आरती के दौरान परंपरागत रूप से भोग अर्पित किया गया। गौरतलब है कि मंदिर में कुछ समय पहले ही नए रसोई घर का निर्माण किया गया है, जिसमें गत लगभग 6 महीने से माता के लिए भोग प्रसाद बनाया जा रहा है, जबकि इससे पहले मुख्य मंदिर से कुछ दूर पुराने रसोई घर में ही भोग प्रसाद तैयार किया जाता था। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन मुख्य मंदिर के नजदीक बने नए रसोई घर में इस हादसे ने मंदिर प्रशासन को सचेत होने के संकेत अवश्य दे दिए। तहसीलदार एवं मंदिर अधिकारी दीनानाथ यादव का कहना है कि चिमनी में लगे तेल के कारण उक्त हादसा हुआ, लेकिन इस पर तुरंत प्रभाव से काबू पा लिया गया, जिसके चलते किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। भोग बना रहा था, अभी कुछ बन गया था, कुछ बना रहा था तो अचानक चिमनी में आग लगी। मेरे को बचना बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करूं। मैं भागा बाहर को, तब मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन बड़ी भयंकर आग थी। इसकी सफाई नहीं होती है टाइम से, चिमनी की सफाई ठीक ढंग से टाइम से हो तो कुछ नहीं होता इसको। सब अपने कर्मचारियों की है, दफ्तर वालों के, ऑफिस वालों की, हमने क्या करना। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।